वकील अपने दर्जे में बहुत वरिष्ठ होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वकील साहब को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही कमिश्नर चैलेंज कर सकता, ना ही कलेक्टर चैलेंज कर सकता, यहाँ तक कि कोई पीएम चैलेंज नहीं कर सकता। पर बात क्या आती है कि उस जगह में जाकर उसको पूरी सभ्यता के बारे में, अपने दिल के बारे में, अपने लगन के बारे में करना, जैसे कि बाबा साहब ने किया। वो चैलेंज करता है बाबा साहब के संविधान को, नहीं करता, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया, लेकिन ऐसे हमको करना है। वकील का कैसा होता है कि हम जैसा इंजीनियरिंग करते हैं, हम डॉक्टरी करते हैं, तो हमको पैसा लगता ही है, पैसा तो हर चीज़ में लगता है, अगर पैसे की कोई चीज़ नहीं होती है, पैसा पढ़ाई में हर चीज़ों में लगता है, खाने में इसमें सब लगता है। पर एक वाकावरण कैसा दौर है, आपकी परिस्थिति खराब है घर की, और दैनिक परिस्थिति होने के नाते भी आप अगर वकालत करते हो, जब आप वकालत कर रहे हो उसकी पढ़ाई कर रहे हो, और वकालत का करते करते आप सारे सेक्शन पढ़ रहे हो, सेक्शन मीन्स कैसा है ना कि जो भी चीज़ें अपने पे, जो भी आर्थिक परिस्थिति आती है, कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी जैसी तकलीफ होने पर आती है, कोई समस्या आती है, तो उसको सुलझाने के लिए एक वकील जो मुझे जो एक बुक पढ़ता है, उसको सारे सेक्शन उसके रहते हैं पढ़ने के। जैसा मान लो किसी ने अपने में कुछ गलत चीज़ें बोल दिया, या अपने को जो चीज़ें नहीं बोलना चाहिए उसने पर बोल दिया, उसकी आवाज़ अपने को उठा लें, तो अपन कहाँ जाएंगे? आर्थिक परिस्थिति खराब है, अगले ने अपने पे, अपने समाज पे, अपने में कोई टीका टिप्पणी कर दिया, और अपने को भी ऐसे लिए आवाज उठाना है, जिस दिन को बोला कैसा इसको तो मैं देख लूंगा, तो ये क्या मारपीट करके देखेंगे, मारपीट करके जेल में जाऊंगे, 25-50 साल की जेल होगी, मतलब है इसमें माँ बाप ही रोएंगे, और आप लॉ करोगे, आप वकील बनोगे, और वकील जब करोगे तो आप सारे एक्शन वाइज सब चीज़ें पढ़ोगे, मुद्दे के साथ समझना है, इसलिए मेरे को ऐसा बोला देखते मैं एक्ट्रोसिटी एक्ट के मुताबिक ये काम चला सकता हूँ, भैया तुमने मुझे ऐसा किया, चाकू मांग लिया, तुमने उसको तकलीफ दिया, मेरे बाबू को तकलीफ दिया, आजकल हमारे बाबू ने कहा कहीं कुछ ऐसे घटना हो रही है कि नहीं, अपने खुद के हॉस्पिटल में हुआ है, 18-20 बच्चों के साथ में यौन शोषण हुआ है, इसके लिए हमने वकील हायर किया, अपने आज की बात सर ने बताया कोई वकील किए तो उन्होंने कुछ ठीक से काम नहीं किया, नहीं करते ना, पैसा लेके भी कुछ वकील बात ही नहीं करते, पर कैसा है कि समाज करेगा तो करेगा, ऐसा मैडम समाज के, समाज तो मैडम होने के नाते आपको ये बताया करो, समाज को जगाना है, हर कोई अपने अपने समाज को जगा रहा है, हमारा तो हमारा समाज जगाना है, एक वकील अपनी जगह पे आके बहुत कुछ कर सकता है। आपके आर्थिक परिस्थिति खराब होने के नाते आप अगर मान लो कोई कारणवश अगर कोई तकलीफ आती है, कुछ अपने पे किसी ने कुछ तकलीफ दे दिया, अपने घर में अपनी बहन की तकलीफ होगी, या किसी की भी कोई बात हो तो चैलेंज कर दी, अपन डाले मेरे घर वाला आपको बोलता है जगह पर उपाय डाला मत हो बोलता है ना, अपन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अपन उसमें नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तुमको देख लूंगा, आप मेरे को चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों बैठूँ, मैं जब गलत हूँ तो गलत नहीं होते हुए हमको चुप कराते हैं, क्यों कराते हैं, क्योंकि हमारे पास वो पकड़ नहीं है, पकड़ के लिए हमारे के लिए वकालत है, वकील एक ऐसा है स्वतंत्र सैनिक बिंदास, ना ही किसी के रोक टोक, ना ही किसी का डर, ना ही किसी को डरना, मैं उसको दिल से लो, लगन से लो, अंदर से लो कि मुझे वकालत करना है, वकालत करना बोले तो एक अपने आप में एक मिसाल कायम करना, एक ताकत बनाना, और वो ताकत हम खुद ही बना सकते हैं हमारे समाज के भाई, मत सोचो कि मुझे डॉक्टरी करना है, डॉक्टरी करके क्या करोगे, हर वो डॉक्टर पढ़े कर रहे ना, चीर रहे ना पैसा, घर में 2.5 लाख की बात की और इससे 10 साल जाएंगे तो फिर हो सकता है कि इसका 25-50 लाख हो जाए फीस, बराबर है, कहीं ना कहीं तो हमारा एक आएगा ना, हमारे आर्थिक परिस्थिति को भी पकड़ आएगी, समाज को भी पकड़ आएगी, और हमारी ताकत भी बनेगी, उसके लिए हमारे को उनको सक्षम होना पड़ेगा उस तरीके कि मेरे को वकालत करना है, कुछ नहीं सोचने का है, 3 साल पूरा वकालत डाल देने का है, रातों दिन एक बार वकालत कर दो बस, और फिर देखो मजा क्या आती है, आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, किसी को भी, किसी ने भी आपके उंगली उठाया, किसी ने भी आपको कुछ अपशब्द बोला, किसी ने भी आपको समाज के प्रति एग्रेसिविटी होता नहीं, आपने किसी ने भी आपको कुछ कहा तो आपको इसके लिए सीधा PIL उठा के उसमें कोर्ट में डाल देने, कुछ नहीं बोलने का, सीधा PIL उठा के कोर्ट में डाल देने, वहाँ पर फैसला होगा, कोर्ट में डालने का है कोर्ट में, ऐसी ताकत जब हम बनाएंगे तब जब हम वकील बनेंगे तब, क्योंकि वाका लगती है ऐसी चीज़ें तो कर सकता है वकील, तो वो बात है, वो ताकत है, वो चीज़ अपने को निर्माण करने के लिए आपको वकालत करना बहुत जरूरी है, आप वकालत करोगे तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी, आपने एक अलग जान आएगी, आपने एक अलग बात हो जाएगी।